हाई ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन गाइडेंस बाय रेनू। मेरा नाम रेनू है और मैं यूट्यूब चैनल रीडर हूँ। आज की रीडिंग है 22 अगस्त के लिए। और सबसे पहले मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी हु इज सेलिब्रेटिंग टुडे। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे ऑल योर विशेज कम ट्रू दिस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गणेश का कार्ड है आज डिसीजन, एंड 31 नंबर है इसका जो एड अप होके 4 बनाता है। 4 जो है स्टेबिलिटी का कार्ड है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कुछ डिसीजन में आप स्टक हो, नहीं ले पा रहे हो या बहुत सोच रहे हो उस बारे में, कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपकी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, और कौन से कार्ड हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट कार्ड है, ये भी ओवरऑल एनर्जी का है, स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। शायद इसी डिसीजन की वजह से जो है ना, आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, नींद नहीं आ रही है, यू नो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स जो है मेंटल एनर्जी होती है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डार्क एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आपको ये स्ट्रेसफुल कर रही है। ये भी ओवरऑल एनर्जी के साथ ही निकाला था मैंने। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को लगता है ये डिसीजन जो है यहाँ पे गणेश का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि इस स्ट्रेसफुल एनर्जी में से, ये डिसीजन लेने से आप निकल सकते हो। मेरे को नहीं पता कि आप ले पा रहे हो या सोच रहे हो और नियर फ्यूचर में आप ले पाओगे इसको, पर डेफिनेटली इस डिसीजन से आपकी जो है, आप जिस लैक में जी रही हो, लैक ऑफ अबंडेंस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ इमोशनल फुलफिलमेंट, कुछ भी चीज़ की जो आपकी कमी है लाइफ में, या बहुत सारी चीज़ों की कमी है, वो उसमें से निकल रहे हो आप, आगे को जा रहे हो, यानी कि अबंडेंस की तरफ, खुशियों की तरफ, फुलफिलमेंट की तरफ आप जो है जा रहे हो इस डिसीजन को लेकर। नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ में है 5 ऑफ कप्स। अगेन शायद इसी डिसीजन की वजह से जो है, लैक की वजह से, जो लैक है पास्ट में जो हुआ, यहाँ पे आप इन 2 कपों को छोड़कर जो बचे हुए हैं, अगेन आप इन 3 कपों को देख रहे हो, सैड हो, डार्क एनर्जी है। कपड़े देखो आप इसके डार्क कलर के, बहुत ज़्यादा यू नो इमोशनली ज़्यादा वो हो, आप ड्रेन्ड फील कर रहे हो इमोशनली। हो सकता है कि आपको पास्ट में भी कुछ ऐसा हो गया और प्रेजेंट मोमेंट भी आपको कोई ऐसा नहीं है आपके अराउंड जो आपको इस इमोशंस को फुलफिल कर सके, आपको जो है यू नो मॉरली इमोशनली आप गुड फील कर सको, तो आपके कप भर सके कोई, तो इस तरह का कोई नहीं है आपके अराउंड, तो आप काफ़ी डार्क एनर्जी में जो है फंसे हुए हो। तो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं डूबे रहो प्लीज़। मंत्रा का जाप करो कॉन्टिन्यूस, सिंपल ओम। जैसे ही आपको लगे कि आप नेगेटिव थॉट में जा रहे हो, सिंपली स्टार्ट यू नो चैंटिंग ओम। कोई भी मंत्रा हो सकता है, मेरे को कोई भी मंत्र जब याद आता है अपनी एनर्जी को स्विच करने के लिए, अपनी थॉट्स को स्विच करने के लिए, मैं उसी मंत्रा का जाप उसी टाइम करने शुरू कर देती हूँ। तो आप भी जो है ना, इस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलो, ताकि आप हेल्थ की जो है ना, हेल्थ आपकी अच्छी रहे, आप केयर कर सको, क्योंकि ऑलरेडी आप इसमें हो मेंटली, फिर इमोशनली भी आप वो ड्रेन कर रहे हो अपने आप को। और 5 5 डेफिनेटली चेंज लेके आ रहा है कुछ भी जो भी ये डिसीजन है, और गेट रेडी, ये लेना ही पड़ेगा आपको अगर आप इस 5 की एनर्जी से, लैक वाली एनर्जी से चेंज लेके आना चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ। यह है नेक्स्ट करियर का कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं काफ़ी क्लियरली कि आपको ये करना है करियर एट वर्क प्लेस पे, आपको जो आप मेरे को लगता है फॉलो करने वाले हो सून ही। हो सकता है ये मैसेजेस आ रहे हो, यहाँ पे बर्ड से देख सकते हो, बर्ड साइन है एंजल्स का, कि आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भेजे जा रहे हैं ताकि आप वर्क प्लेस जो है ना, आप चेंजेस कर सको या कुछ आइडियाज ऐसे फॉलो कर सको जो आपके जो है ग्रोथ के लिए आपको बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लव के लिए, लव एंड रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वांड्स जो है मेरे को लगता कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, जो काफी
फायरी पैशनेट एनर्जी है, हो सकता है वो फायर साइन हो, एरीज लियो सजिटेरियस, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। स्वॉर्ड तो नहीं है तो इट मीन कम्युनिकेशन की एनर्जी तो नहीं है, या ये हो सकता है कि आप ही बहुत बिजी हो तो कोई इंट्रैक्शन नहीं चल रही आप दोनों, आप अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो जोर शोरों से। तो एक दो दिन पहले नाइट ऑफ वांड्स की ओवरऑल में एनर्जी में था नाइट ऑफ वांड्स, तो ओवरऑल नाइट ऑफ वांड्स में बहुत हाई एनर्जी होती है, जैसे दिन में दिल करता कि बहुत सारे काम खत्म कर लो, यहाँ पे इमोशन वाला इमोशनल एनर्जी नहीं है। हो सकता है कि पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन का मेरे को कोई साइन नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आप भी और अपने आपके पार्टनर भी बहुत सारे अपने कामों में लगे हुए हो, आप बिजी हो अपने अपने वर्क प्लेस पे, बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। नेक्स्ट चलते हैं टाइम और एनर्जी वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में क्या चल रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है अपने आइडियाज़ को, जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ को नर्चर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप चाहते हो वहाँ पे आपको जो है स्पिरिचुअलिटी में जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो वहाँ पे मनी बनाना चाहते हो, बहुत एम्बिशियस हो रहे हो, काफ़ी सारी चेंजेस कर रहे हो, काफ़ी सारा काम कर रहे हो, नाइट ऑफ वांड्स है, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे आप चाहते हो कि वहाँ से जो है आपको मनी का फ्लो भी हो, ठीक है, विच इज़ नॉट बैड। मैंने आगे भी एक दिन समझाया था कि एनर्जी आप जब देते हो अपनी, तो फिर वो रिसीव होना एक मनी के फॉर्म में ज़रूरी है आपको, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपका वर्क प्लेस पे हो, ठीक है। तो ये आप शायद एम्बिशियस हो रहे हो और बहुत ज़्यादा फोकस कर पा रहे हो, सोच रहे हो कि किस तरह से मनी बनाई जाए, यू नो एम्बिशियस हो रहे हो आप और नर्चर कर रहे हो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, आइडियाज़ हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को लेके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अवॉइड क्या करना है आपने इस दिन के लिए, 22 अगस्त के लिए। क्वीन ऑफ कप, आप देख सकते हैं इस क्वीन को पूरी तरह डूबी हुई है इस कप में, यानी कि इमोशंस में। आपको हीलिंग करनी है अपनी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा चेंज वाले कार्ड्स हैं मेरे को लग रहा है। आपको हीलिंग अवॉइड करना इमोशंस में, ताकि आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को भी इंजॉय कर सको, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, ताकि आपको अगर आप माइंड क्लियर करोगे तो आइडियाज़ आएंगे, आइडियाज़ को आप यूज़ कर सकते हो आप मनी कमाने के लिए, राइट। तो अगर आप इमोशंस में डूबे रहोगे तो फिर ये सब आइडियाज़ और ये एनर्जी आप में नहीं रहेगी, ड्रेन हो जाएगी, जिससे आप जो है वो एनर्जी काम पे नहीं लगा पाओगे। सो आपको एनर्जी अपनी सेव करनी है और इमोशंस में ज़्यादा डूबे नहीं रहना है। तो ये अवॉइड करना है आज के दिन, आपकी इमोशंस को छोड़ के, जैसे ही आप कुछ नेगेटिव इमोशंस में पास्ट में चले जाएं, यहाँ पे हेल्थ के लिए भी था, तो आप स्विच करो अपनी थॉट को, स्विच करो मंत्रा पे चले जाओ, कोई भी मंत्र पकड़ो ताकि आपका जो ध्यान है डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और जो है अपना आपका माइंड क्लियर रहे, जिस तरह से आप ये आइडियाज जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको भगवान की तरफ से, वो आइडियाज जो है आप पिक कर सको और उनको यूज कर सको अपने वर्क प्लेस पे, स्पिरिचुअल प्लेस पे या वर्क प्लेस है जहाँ पे भी वो आइडियाज रिलेटेड आपको आ रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपको एंजल से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो राइट नाउ, क्योंकि एंजल कार्ड मैं रिवील करने वाली हूँ। तो ये है इट्स अप टू यू, अगर आप बिलीव करते हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है, यहाँ पे यस और नो नहीं है, ये आप कर सकते हो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो, ये आपके ऊपर उन्होंने डिसीजन छोड़ा है। डेफिनेटली ये डिसीजन जो है हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड भी है। लव इज द हार्ट ऑफ द मैटर, योर हार्ट इज द सेंटर विद इन योर फिजिकल बींग, अट्यून्ड मोस्ट टू लव, इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड बी लव्ड विद एन ओपन हार्ट एज वी स्टैंड विद द परफेक्ट प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। जो भी आपका आप हार्ट चक्र को हील कर सकते हो यहाँ पे, ताकि जो है ना आप आपकी फिजिकल बॉडी भी जो है ना वो हील हो यहाँ पे, और आपको यू नो ओपन करना अपने हार्ट को, और जो एंजल्स हैं आपके साथ हैं
प्रोटेक्ट कर रही हैं आपको और गाइडेंस भेज रही हैं। यही गाइडेंस मेरे को यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में नजर आ रही थी। पहली रीडिंग है जहाँ पे मेरे को तीनों क्वीन्स यहाँ पे, चार में से तीन क्वीन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, क्वीन सोर्ड का होना, नेगेटिव कोर्ड्स को कट करना, आइडियाज सोचना अपने उसके लिए, और क्वीन ऑफ पेंटिकल ही और क्वीन ऑफ कप भी। ये तीनों वैसे बहुत ज़्यादा मोह है, लेकिन जस्ट यहाँ पे अवॉइड करना है आपको, क्योंकि ये वॉइड का कार्ड है कि आपको ज़्यादा इमोशंस में डूबना नहीं है। अदरवाइज क्वीन के कार्ड जो है ना काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे, एक या दो कार्ड को छोड़ के। तो लास्ट देखते हैं कार्ड, चेंज इन डायरेक्शन। डेफिनेटली इस डिसीजन से आपकी डायरेक्शन जो है चेंज होने वाली है। द चेंजेस यू आर एक्सपीरियंसिंग आर डिवाइनली डायरेक्टेड बाय न्यू बॉर्न विलिंगनेस टू ओपन योर हार्ट टू लव एंड अवर गाइडेंस। यू आर प्रोटेक्टेड नाउ एंड इन द फ्यूचर, सो फॉलो योर पाथ टू द हैप्पी आउटकम्स यू डिजायर। डेफिनेटली आप डिसीजन लेने के बाद उस लैक की एनर्जी में से निकल के कुछ ना कुछ ऐसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने वाले हो जिसके लिए आप डिवाइनली गाइडेड हो। सो प्रोटेक्ट योर, सो ट्रस्ट योर सेल्फ। जो भी आपको आइडियाज आ रहे हैं वो सारे जो है डिवाइनली गाइडेड हैं, उनको फॉलो करो जो भी है। ठीक है, एक हिडन ट्रुथ देख लेते हैं लास्ट में 22 अगस्त के लिए। देर इज नो नीड टू गिव हेल्प इफ इट वॉजेंट रिक्वेस्टेड। अगर कोई किसी की जबरदस्ती हेल्प करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई मांग नहीं रहा, आपसे रिक्वेस्ट नहीं की है, स्पेशली स्पिरिचुअल प्लेस पे। ठीक है, तो ये अदरवाइज भी हो सकता है, तो आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है अगर कोई रिक्वेस्ट आपको नहीं मिली है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ 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 मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और एटलीस्ट अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर, एटलीस्ट लाइक जरूर करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक बहुत ज़्यादा कम मिले होते हैं मेरे को, पर प्लीज़ लाइक जरूर करें मेरी वीडियोस को, और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं रोज़ जो है वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करती हूँ। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।